फिल्म गदर 2 से सिनेमा घरों में धमाल मचाने के बाद अब बॉलीवुड एक्टर सनी देओल फिल्म लाहौर 1947 में नजर आएंगे। साल 2023 में आई फिल्म गदर ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी। अब एक बार फिर से सनी देओल सिनेमा घरों में अपनी फिल्म लाहौर 1947 से धमाल मचाने के लिए तैयार है। पिछले साल अक्टूबर के महीने में सनी देओल की मोस्ट वेटेड फिल्म लाहौर 1947 को बनाने की अनाउंसमेंट की गई थी। फिल्म लाहौर 1947 को लेकर लगातार कोई न कोई जानकारी सामने आती रहती है, लेकिन इस बार जो जानकारी सामने आई है वो वाकई में सनी देओल के फैंस को खुश कर देगी। दरअसल फिल्म लाहौर 1947 के पूरे 70 दिनों की शूटिंग अब खत्म हो चुकी है। इस फिल्म में सनी देओल मुख्य रोल में दिखाई देंगे। इस फिल्म का डायरेक्शन राजकुमार संतोषी कर रहे हैं। बताया दोस्तों कि राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित फिल्म लाहौर 1947 के पूरे 70 दिनों की शूटिंग बिना रुके की गई है। लगातार इस फिल्म की शूटिंग 70 दिनों तक चली और अब जाकर इसकी शूटिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इस फिल्म में ट्रेन पर एक एक्शन सीक्वेंस भी फिल्माया गया है जो बेहद ही खतरनाक है। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को उनकी फिल्म घातक अंदाज अपना अपना और दामनी जैसी फिल्मों की बेहतरीन डायरेक्शन के लिए जाना जाता है। बताया दोस्तों कि लाहौर 1947 एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। इस फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा भी मुख्य रोल में नजर आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म गदर 2 की तरह इस फिल्म में भी कई सुपरहिट सॉन्ग हमें सुनने और देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें से एक रोमांटिक सॉन्ग भी रहने वाला है जिसे सनी देओल और प्रीति जिंटा पे फिल्माया गया है, जिसे बहुत ही जल्द मेकर्स रिलीज करने वाले हैं। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, पर जल्द ही इस फिल्म को लेकर अनाउंसमेंट की जाएगी। बताया दोस्तों कि इस फिल्म में आमिर खान भी कैमियो रोल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिल्म लाहौर 1947 अगले साल यानी 2025 के गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज की जा सकती है। इस फिल्म में दर्शकों को भरपूर एक्शन देखने को मिलने वाला है। फैंस को गदर 2 के बाद से ही सनी देओल से काफी उम्मीदें हैं।